अब देखते हैं बेटा डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन क्या होते हैं? पावर ऑफ एम एल टी टू एक्सप्रेस एनी क्वांटिटी आर कॉल्ड डायमेंशन। किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए एम एल और टी की जो पावर होगी उन्हें कहेंगे डायमेंशन। इसको समझने के लिए एग्जांपल समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं मास के लिए एम लिखेंगे, लेंथ के लिए एल लिखेंगे, टाइम के लिए टी लिखेंगे, करंट के लिए ए लिखेंगे और टेम्परेचर के लिए थीटा और के लिखेंगे। तो डायमेंशन निकालते समय ये हमको सिंबल यूज़ करने हैं। मास के लिए एम, लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए टी, करंट के लिए ए, टेम्परेचर के लिए थीटा और के। तो किसी का भी डायमेंशन निकालना हो तो उसका फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे स्पीड, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तुम्हारी इनमें से लेंथ हो गई और टाइम टी हो गया, पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, एल टी माइनस वन। तो ये डायमेंशन है, डायमेंशन फॉर्मूला है ये स्पीड का। और एल का डायमेंशन वन है और टी का डायमेंशन माइनस वन है। तो वन और माइनस वन डायमेंशन है, मतलब पावर ऑफ एम एल टी को कहते हैं डायमेंशन। तो यहाँ एल की कितनी पावर है? वन। तो एल का डायमेंशन वन हो गया और टी का डायमेंशन माइनस वन हो गया। पर एग्जाम में तुमको केवल डायमेंशन फॉर्मूला पूछा जाएगा, तो उसके लिए तुमको केवल फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला होता है वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एल लिखेंगे, टाइम के लिए टी लिखेंगे, तो एल टी माइनस वन। तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों का डायमेंशन सेम, डायमेंशन फार्मूला सेम है। तो दो अलग अलग क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फार्मूला सेम हो सकते हैं। जैसे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी ही होगा, तो वेलोसिटी के डायमेंशन रख देंगे एल टी माइनस वन और टाइम के रख देंगे टी, तो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एल टी माइनस टू। ये पावर ऊपर जाएगी माइनस वन और माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो जाएगा। अब फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए एम लिखते हैं, एक्सेलरेशन के लिए अभी हमने निकाला एल टी माइनस टू, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एम एल टी माइनस टू। तो बस तुमको फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो पहले सिंपल सिंपल डायमेंशन, इसके बाद टफ डायमेंशन आएंगे। जैसे एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ भी एल हो गई, ब्रेथ भी एल हो गई, तो डायमेंशन फॉर्मूला बन गया एल स्क्वायर। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला बन गया एल क्यूब। तो हमने देखा कि केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूले जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ोगे अपने आप पता लगते जाएंगे। डेंसिटी, डेंसिटी का होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए एम लिखेंगे, वॉल्यूम के लिए एल क्यूब लिखेंगे, तो एम एल माइनस थ्री। डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया एम एल माइनस थ्री। और देखें प्रेशर, केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया।
तो फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू और एरिया का होता है एल स्क्वायर। टू पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस टू हो जाएगी, मैं करके दिखा देता हूँ, एम एल माइनस टू, वन माइनस टू टी माइनस टू, तो ये आ जाएगा तुम्हारा एम एल माइनस वन टी माइनस टू प्रेशर वर्क। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का अभी हमने यहां निकाला था एम एल टी माइनस टू और डिस्प्लेसमेंट का एल, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये बात ध्यान रखें कि डायमेंशन फॉर्मूले को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो मास के लिए एम, वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन, उसका स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू काइनेटिक एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी यू से लिखी जाती है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला होता है एम जी एच। तो मास के लिए एम, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन ही हो गया, और एच हाइट है तो लेंथ हो गया, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो हम देख रहे हैं कि चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, एनर्जी कोई भी हो उसका डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो सेम आता है। वर्क का भी फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के बराबर आता है। पावर, पावर होती है वर्क अपॉन टाइम। वर्क का हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन टाइम टी। सॉल्व करेंगे पावर ऊपर जाएगी तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। और देखते हैं मोमेंटम, फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। मोमेंटम आपने पढ़ा होगा, मास इंटू वेलोसिटी, ये सब डिटेल में पढ़े जाएंगे आगे के चैप्टरों में, अभी तो केवल फार्मूला पता होना चाहिए। मास का एम, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन। इम्पल्स, जब बहुत बड़ी फोर्स बहुत कम समय के लिए लगती है तो उसे इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स का फॉर्मूला फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स के लिए एम एल टी माइनस टू, टाइम के लिए टी, तो एम एल टी माइनस वन। तो हम यह देख पा रहे हैं कि मोमेंटम और इम्पल्स के डायमेंशन सेम है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि किसके डायमेंशन सेम है, अब देखिए स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला प्रेशर के जैसे ही होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के लिए एम एल टी माइनस टू लेते हैं, एरिया के लिए एल स्क्वायर लेते हैं। पावर ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, तो स्ट्रेस और प्रेशर के सेम आते हैं। स्ट्रेन, स्ट्रेन का फॉर्मूला याद कर सकते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ लेंथ हो गई, ओरिजिनल लेंथ भी लेंथ हो गई। एल की पावर वन माइनस वन, एल की पावर जीरो, यानी स्ट्रेन के कोई डायमेंशन नहीं है। और जिसके कोई डायमेंशन नहीं होते उसको डायमेंशन लेस बोलते हैं। और डायमेंशन लेस क्वांटिटी को लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो, या सिंपल वन लिख देते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय डायमेंशन लेस क्वांटिटी की जगह हम वन ले लेंगे। यंग मॉडुलस, कुछ बच्चों को ये मालूम होगा क्या होता है, भले आपको मालूम ना हो लेकिन फॉर्मूला मालूम हो। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस के डायमेंशन थे एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और स्ट्रेन के डायमेंशन एल की पावर जीरो। तो यंग मॉडुलस के डायमेंशन भी एम एल माइनस वन टी माइनस टू के बराबर होता है। यंग मॉडुलस का एक और नाम है जिससे क्वेश्चन में मिलता है ऐसे नाम,
क्वेश्चन करने में आसानी होगी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिक, इनके बारे में डिटेल में मिलेगा पढ़ने को, जैसे इलास्टिक चैप्टर है बाद में, उसमें यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, सारे मॉडुलस एक संग पढ़ाए जाएंगे और इन सब मॉडुलस को कॉमन टर्म बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिक। जैसे यंग मॉडुलस के डायमेंशन पूछे, बल्क मॉडुलस के पूछे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के पूछे, तो ये सब एक ही चीज़ है और इसका नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और डायमेंशन फॉर्मूला होगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। और डिफरेंट तरह के डायमेंशन देखें और कैसे पूछे जाते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो मैंने आपको बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें इनका फॉर्मूला पता हो बस, तो एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो जिसके डायमेंशन निकालने हैं पहले उसका फॉर्मूला बना लो, आर स्क्वायर इधर चला जाएगा। अब आर है क्या, दो मास हैं और उनके बीच की डिस्टेंस आर है, तो उन पे लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला ये होता है एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो जी का फॉर्मूला हो गया एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू। अब एफ के डायमेंशन रख देंगे एम एल टी माइनस टू, आर डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस का एल स्क्वायर हो गया और दो मास हैं तो एम स्क्वायर हो गया। पावर ऊपर जाएगी तो एम माइनस वन, एल टू है, एल वन है तो एल थ्री हो जाएगा, टी माइनस टू। इस तरीके से हम डायमेंशन निकालते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप केवल फार्मूला देखें, इस पर नहीं जाएं कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि ये तो बाद में पता लगेगी। अभी सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्थ अपॉन लेंथ, तो फोर्थ हो गया एम एल टी माइनस टू और लेंथ हो गया एल, तो ये आ गया एम टी माइनस टू। नेक्स्ट देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फिर बता रहा हूँ इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है कि ये क्या है, अभी केवल ये है कि इसके डायमेंशन कैसे निकलेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो इसका फॉर्मूला हम बता रहे हैं एफ इज इक्वल टू सिक्स पाई ईटा आर वी, केवल फार्मूला याद हो काम चल जाएगा। वी वेलोसिटी है, आर रेडियस है और ईटा के डायमेंशन निकालने, क्या बोलते हैं इसे, ईटा। तो ईटा का फॉर्मूला हो गया एफ अपॉन सिक्स पाई आर वी। तो एफ फोर्स है, फोर्स के एम एल टी माइनस टू, कॉन्स्टेंट लेते नहीं है, रेडियस का एल और वेलोसिटी का एल टी माइनस वन। सॉल्व करेंगे तो इसे ये आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, तो मैं सॉल्व करके एम एल माइनस वन टी माइनस वन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ईटा का डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। अब इसके अलावा और कौन से डायमेंशन काम आते हैं, डायमेंशन किसी भी फॉर्मूले से किसी भी चीज़ के डायमेंशन निकाले जा सकते हैं, तो बहुत सारे हैं, कुछ हम बता रहे हैं आपको। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखा जाता है और फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा होगा वन अपॉन टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन हो जाएंगे टी माइनस वन। प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट एच को कहते हैं और ई का फॉर्मूला होता है एच न्यू, जिसमें ई एनर्जी होती है और न्यू फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर एच के डायमेंशन निकालने हैं तो ई अपॉन न्यू, तो ई हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और न्यू हो गया टी माइनस वन, टी माइनस वन ऊपर से आ गया ऐसे, तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये ऊपर जाके प्लस वन हो जाएगा और माइनस टू प्लस वन माइनस वन होता है। तो प्लैंक कांस्टेंट के भी डायमेंशन निकाल लिए, तो पता केवल फार्मूला होना चाहिए। और देखते हैं जैसे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आगे के चैप्टरों पता लगेगा, एल से लिखते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का सबसे सिंपल फॉर्मूला एम वी आर, मास वेलोसिटी रेडियस,
ये डिस्टेंस, तो m मास हो गया, वेलोसिटी एल टी माइनस वन हो गई और r लेंथ हो गई, तो कितना आ रहा है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। तो मोर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। और देखो प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन सेम आए हैं, तो प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन सेम आने का मतलब ये है, मतलब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिनके डायमेंशन सेम हो, तो ये टिक करने को आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किसके डायमेंशन सेम है, तो ये याद हो जाए तो बहुत अच्छा है।